क्या आपको पता है वर्ड प्रीफर एक ऐसा वर्ड है जिसे हम पसंद की बात करते हैं, यानी इस वर्ड का यूज हम तब करते हैं जब हमें कहना हो किसी एक काम की तुलना में दूसरा काम बेहतर है या किसी एक नाउन की तुलना में दूसरा नाउन बेहतर है। लेकिन यहाँ ये सीखना जरूरी है कि प्रेफर के साथ कभी हम टू का यूज करते हैं और कभी हम रादर देन का इस्तेमाल करते हैं, यानी कंपेयर दिखाने के लिए कभी हम कहते हैं टू और कभी हम बोलते हैं रादर देन। तो क्या आप जानते हैं कि प्रेफर के साथ कब आपको टू बोलना है और कब आपको रादर देन बोलना है? अगर आप इस बात को लेकर कंफ्यूज हैं तो फिर ये वीडियो आपके लिए है। आइए सबसे पहले दो एग्जांपल्स देखें, उसके बाद हम सीखेंगे कि प्रेफर के साथ कब बोलना है टू और कब बोलना है रादर देन। पहला एग्जाम्पल है आई प्रेफर इंग्लिश टू हिंदी और दूसरा एग्जाम्पल है आई प्रेफर स्लीपिंग रादर देन वॉचिंग टीवी। यहाँ पहले सेंटेंस का मीनिंग है मुझे हिंदी की तुलना में इंग्लिश पसंद है या हिंदी की तुलना में मैं इंग्लिश पसंद करता हूँ, और दूसरा सेंटेंस का मीनिंग है टीवी देखने की तुलना में मैं सोना पसंद करता हूँ। तो फ्रेंड जैसा कि आपने देखा इन दोनों सेंटेंस में तुलना कराया गया, लेकिन एक सेंटेंस में तुलना कराने के लिए मैंने बोला टू और दूसरे सेंटेंस में मैंने बोला रादर देन। वो इसलिए कि प्रेफर वाले सेंटेंस में जब आप कंपेयर दो नाउन की कराएंगे तो यहाँ पर आप टू का इस्तेमाल करेंगे, और जब आप कंपेयर दो एक्शन का कराएंगे यानी जब कंपेयर दो वर्ब के बीच में होगा तो वहाँ आएगा रादर देन। इस बात को मैं एक बार और रिपीट करता हूँ ताकि कहीं आप कंफ्यूज ना हो जाएं। प्रेफर वाले सेंटेंस में जब आप कंपेयर दो नाउन के बीच में कराएं, यानी आप कहें कि इस नाउन की तुलना में वो नाउन अच्छा है, तो आप कंपेयर कराने के लिए बोलेंगे टू। लेकिन जब कंपेयर दो एक्शन के बीच में कराएं, दो काम के बीच में कराएं, यानी दो वर्ब के बीच में कराना हो तो यहाँ कंपेयर कराने के लिए आप बोलेंगे रादर देन। जैसा कि दूसरे एग्जाम्पल में मैंने कंपेयर दो वर्ब के बीच में किया है जो है देखना और सोना, इसीलिए यहाँ पर बोला गया रादर देन। और हमारे पहले सेंटेंस में कंपेयर दो नाउन के बीच में हुआ जो था हिंदी और इंग्लिश, इसलिए मैंने वहाँ पर लिखा टू। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आया। आइए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं ताकि ये बात आपको और अच्छा से समझ में आ सके। मुंबई की तुलना में मुझे दिल्ली पसंद है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रेफर दिल्ली टू मुंबई। चाय की तुलना में मुझे कॉफी पसंद है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रेफर कॉफी टू टी। रात की तुलना में मुझे दिन पसंद है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रीफर डे टू नाइट। बोलने के बजाय मुझे लिखना पसंद है, आई प्रीफर राइटिंग रादर देन स्पीकिंग। दौड़ने के बजाय मुझे टहलना पसंद है, तो सेंटेंस के लिए आप कहेंगे आई प्रीफर वॉकिंग रादर देन रनिंग, यानी दौड़ने के बजाय या दौड़ने की तुलना में मुझे चलना पसंद है। यह मैं लास्ट में आपको कह दूं, रादर देन के बाद आया वर्ब उसी फॉर्म में होना चाहिए जैसा कि रादर देन के पहले आया हुआ वर्ब है, यानी अगर रादर देन के पहले आईएनजी फॉर्म है तो रादर देन के बाद आया वर्ब भी आईएनजी फॉर्म में होगा। ये बहुत खास बात है जिसे आप याद रखेंगे। अगर आप इन एग्जांपल्स पर गौर करेंगे तो पाएंगे कि रादर देन के बाद वर्ब का वही फॉर्म है जो रादर देन के पहले आया हुआ है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ कि यह टॉपिक आपको शानदार तरीके से समझ में आया। अगर वाकई आपने इस कंसेप्ट को समझा तो क्या इस टॉपिक पर कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में लिखेंगे? यहाँ मैं आपको बता दूं कि ऐसे सैकड़ों टॉपिक जानने के लिए आप मेरे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप वो एप्लीकेशन अभी तक इंस्टॉल नहीं किए हैं तो जरूर करें। फिर मिलेंगे कुछ और अच्छा लेसन के साथ, तब तक के लिए बाय।